Asus ZenFone Max Pro M2 अपकमिंग 5 फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये है कि पाई के अपडेट में हमें Asus ZenFone Max Pro M2 में कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और क्या क्या चीज़ जो है न्यू सिक्योरिटी वगैरह जो है देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप जान जाइएगा कि आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है और क्या कुछ नहीं मिलने वाला है जो कि हमें मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला जो फीचर है वो आप देख सकते हैं, नीचे जो बटन है होम बटन बैक बटन इससे रिलेटेड है। इन तीनों की जगह जो है एक, मतलब ये तीनों तो रहेंगे ही, पर एक गेस्चर नया आएगा जिसका नाम होगा होम गेस्चर, जिसे आपको अंदर से अनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ आप अपने होम बटन से ही बहुत कुछ रिसेंट टैब वगैरह कुछ भी कर सकेंगे और एक ऐप से दूसरे ऐप में भी स्विच कर पाएंगे। दूसरा जो न्यू फीचर होगा वो जो है आपका नोटिफिकेशन बार है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और बिल्कुल ही नए लुक के साथ जो है वो आने वाला है, जो कि काफ़ी कूल लगेगा देखने में। और इसके बाद आप अगर वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन या रिंग वगैरह का देखते हैं तो ये अभी आपको ऊपर में आता है, बाद में ये जो है पाई के अपडेट में ये बगल में आपको सिंबल टाइप का आएगा। तो ये भी काफ़ी कूल फीचर है, तो मुझे तो ये बिल्कुल पसंद आने वाला है और मैं पाई अपडेट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले फीचर की बात करें तो वो आपको डिस्प्ले में जाने के बाद मिलता है। ये सेटिंग अभी नहीं मिलती है कि आप अपने, मतलब नोटिफिकेशन बार और जो स्वाइप करने के बाद आता है ऐप की ऐप ड्रॉवर, वो जो है आपको ब्लैक चाहिए और वाइट चाहिए। अभी क्या होता है वो आपके वॉलपेपर पे डिपेंड करता है, वो भी कभी कभी जो है पता नहीं क्या होता है कि ब्लैक वॉलपेपर लगाने के बाद भी वो काम नहीं करता है। तो वो आपको ऑप्शन अलग से आएगा कि आपको ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए या वॉलपेपर के अनुसार चाहिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा कि जिसे ब्लैक चाहिए वो ब्लैक करके रखेगा। अगला जो ऑप्शन है वो रोटेट स्क्रीन से रिलेटेड है। अभी आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपको अपना फ़ोन रोटेट करना है तो अपना पोर्ट्रेट मोड को हटा, मतलब चेंज करना पड़ेगा, तभी वो होगा। फिर आपको अगर सीधा करके रखना है, आप चाहते हैं कि वो उल्टा ना हो, तो आपको फिर उसको ऑफ़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको आगे जाके अच्छी फीचर मिलने वाली है और वो बगल में आपको छोटा सा आइकॉन दिखेगा, जैसे आप पलटते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो रोटेट हो जाएगा, फिर एस क्लिक करेंगे तो वो फिर से रोटेट हो जाएगा। बात करते हैं वीडियो कॉलिंग फ़ीचर की, तो दोस्तों ये वीडियो कॉलिंग फ़ीचर जो है शायद मिल सकता है, मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और बात आती है कि कैमरा टू एपीआई अनेबल होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों इस अपडेट में तो ये अनेबल होने के चांसेस बहुत ही कम है, पर शायद ये अगले अपडेट में जो इसके बाद आने वाला है स्टेबल अपडेट के बाद, उसमें शायद से ये हो सकता है। और बहुत से लोग बोल रहे थे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की बात, तो वो भी मैंने कन्फर्म किया और ये भी मिलने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अभी भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।